हे जमनाई, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है जमनाई के लिए। माय जेम्स फ्रेंड्स, मिथुन राशि से जो भी कनेक्टेड फील करते हैं, सन मून राइजिंग असेंडिंग किसी भी वे से, ऑल राइट, आप खुद के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। हम लोग फ्रेंड्स चेक कर रहे हैं जून 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मैक्सिमम एनर्जीज आपकी कैसी रहेंगी, आप क्या अचीव करेंगे, कहाँ आपका मन होगा, कहाँ आपका मन नहीं होगा, क्या ब्लॉकेजेस आएंगी एंड आप उनसे कैसे बाहर निकलकर अपने गोल्स तक पहुँचोगे। तो ये रीडिंग है पूरे जून 2024 की। ऑल राइट, विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रीडिंग आपको कौन से जोडियक पर चाहिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अभी हम चेक कर रहे हैं एयर साइन जेमिनी के लिए जून 2024 कैसा रहेगा। पॉजिटिव एनर्जीज को एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो ऐसे ही रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जेम्स की रीडिंग, जेमिनी की रीडिंग जून 2024, 10 of autumn। जेमिनी, आपका तो बर्थडे मंथ है जून एंड मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि इस मंथ में आप लोगों का मैक्सिमम अटेंशन करियर, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स पर रहेगा। यस, आपके एंसेस्टर्स की कोई प्रॉपर्टी, कोई ब्लेसिंग आपको जून के मंथ में मिल सकती है। मैं स्ट्रांगली फ्रेंड्स ये भी फील कर पा रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक लाइफ और मटेरियल आपके गोल्स जो कि फाइनेंसेस से रिलेटेड होंगे, उनके जून मंथ में पूरे होने के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो सडन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपको सक्सेस मिलेगी। जॉब में है तो प्रमोशन मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, स्टडी भी कर रहे हैं या कहीं कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी फाइनेंसेस, करियर, स्टडी, इन सब के वे से, इन सब के हिसाब से जून मंथ बहुत 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 बढ़िया रहेगा। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपको ही खुद पे प्राउड नहीं होने वाला, आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट को देखकर बाकी लोग भी बोलेंगे वी आर प्राउड ऑफ यू। वो वाइब्रेशंस हैं, आपकी सेविंग अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे एंड आप अपनी फैमिली को बहुत प्राउडली फील करवाओगे फॉर यू। अगर कहीं एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आपकी फैमिली बड़ा प्राउड फील करेगी कि यार बहुत बढ़िया, वेल डन, ब्रेवो। वो वाइब्रेशंस आ रही हैं, सेलिब्रेशंस आ रही है। अगर कुछ लोग वेडिंग को, एंगेजमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिले और उनके पोस्टपोनमेंट को लेकर परेशान थे तो इस मंथ एंगेजमेंट या वेडिंग की सेलिब्रेशन आ सकती है। बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपकी लाइफ में। और अगर आप वेडिंग या एंगेजमेंट के लिए नहीं भी परेशान तो हो सकता है आप किसी का वेडिंग फंक्शन, किसी की एंगेजमेंट फंक्शन आप जून के मंथ में अटेंड करो। ये वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है जून के मंथ में। फ्रेंड्स, आपकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस, इन राशि के लोगों के साथ काफ़ी कंपैटिबिलिटी बनेगी। लेकिन विद इट मुझे लग रहा है कि जो जेमिनी हैं अगर वो एयर साइन से थोड़ा सा दूर रहें तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है वहाँ अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स रेज हो जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि आपके फैमिली मेम्बर्स जहाँ इतने खुश हैं आपको देखकर, जहाँ इतना प्राउडली फील कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक ऐसा हो सकता है या हो सकती है, आपके कलीग, आपके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, या अगर मैं बात करूँ
आपके फ्रेंड्स में से जो आपको देखकर थोड़ा सा जेलस हो जाए एंड वो आपको डिमोटिवेट करने की या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपके काम का क्रेडिट ले जाने की कोशिश करे, ठीक है? तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, उनसे सावधान रहना है और जितना हो सके अननेसेसरली झगड़ों में, आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं फंसना है। चुप रहें, शांत रहें, वहाँ से निकल जाएं उस टाइम में। ऑलराइट, तो आपके आसपास जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले लोग ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लोगों से थोड़ा सा आपका तालमेल कम बैठे वैसे चांसेस बन सकते हैं। फ्रेंड्स, वो सक्सेस ही क्या, यू नो, जहाँ एक दो लोग देखकर आपकी सक्सेस को ट्रिगर ना हो, ठीक है? वो सक्सेस ही क्या है, क्योंकि उसी से पता चलता है आपको कि आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हो। सिर्फ एप्रिसिएशन से नहीं पता लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। तो यहाँ पर जहाँ सक्सेस आ रही है वहीं आपसे जेलसी करने वाले लोग आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि आपकी सक्सेस कितनी है। शायद उतनी है जितना वो सोच भी नहीं पा रहे कि वो कभी कर पाएंगे। थ्री ऑफ ऑटम है, लो जी, आपको तो यू नो रिवॉर्ड भी मिल गया। देखो गले में कितना सुंदर मेडल है, सो स्वीट। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर यू नो किसी की गाइडेंस, किसी की एडवाइस से आप अपनी लाइफ में बड़ा हैप्पी फील करो और बहुत कुछ अचीव करो, चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। करियर को लेकर ये मंथ ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, बार बार यही कह रही हूँ फ्रेंड्स। और साथ ही में फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना करियर के बिहाफ पर ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो, कहीं यू नो बिजनेस ट्रिप या कहीं एजुकेशन ट्रिप, और कहीं जाओ और वहाँ आपको सम्मान मिले, आपके वर्क का आपको अप्रिसिएशन मिले, उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये मंथ ऐसा मंथ है जहाँ पे आपका रियल टैलेंट सिर्फ आप ही नहीं देखोगे, लोग भी देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। थ्री, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 7, 16, 25, 119, 28 एंड 10, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स एंड डेट्स हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। देखो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है जून मंथ में, अबंडेंस आ रही है, विजडम आ रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं वो ट्रैवलिंग भी कर सकते हो जो बहुत टाइम से आप प्लान कर रहे हो बट कर नहीं पा रहे। और ये ट्रिप कई लोगों के लिए फॉरेन या बहुत दूर ओवरसीज ट्रिप हो सकती है। सडन जून मंथ में फ्रेंड्स, आप ऐसा फील करोगे कि यार मेरे घोड़े तो मतलब दौड़ रहे हैं एकदम से, मतलब जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत वरीड थे, परेशान थे, सडन आप देखोगे कि उन चीज़ों में एकदम से इम्प्रूवमेंट आने लगी। हो सकता है पहले से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हों बट तब वो इम्प्रूवमेंट ना आ रही हो, बट अब सडन इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। फ्रेंड्स, गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि जहाँ आप इतना काम करोगे, इतना कुछ अचीव करोगे, ट्रैवलिंग करोगे, लोगों को अप्रिसिएशन से यू नो खुश हो जाओगे, वहीं आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट टाइम टाइम पर खुद को करना है। ऐसा ना हो काम के जुनून और पैशन में, सेलिब्रेशंस में आप खुद की हेल्थ पर ध्यान ना दो। तो जून के मंथ में आप लोगों के लिए गाइडेंस ये रहेगी कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, इस राइम को फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब होता है ना कि हम अपने अपनी हेल्थ पर, अपने स्केड्यूल पर, अपने रेस्ट के टाइम को पर अटेंशन नहीं दे पाते, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑल राइट, एंड मैं ये भी फ्रेंड्स फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन का टाइम ज़रूर निकालना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, मेडिटेट करें, खुद की एनर्जीज को काम करें। ऑलराइट, और जो आपको ये मॉनेटरी बेनिफिट्स हो रहे हैं फ्रेंड्स, इससे चैरिटीज ज़रूर करें, ठीक है? इससे चैरिटीज ज़रूर करें सो दैट ये और ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं आपके इंक्रीज हों और आपको सक्सेस मिले एंड आने वाली ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में साथ के साथ रिमूव होती चलें, ठीक है? कहते हैं ना कि जब हमारा अच्छा टाइम शुरू होता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम
उसे दूसरों की भलाई में भी इस्तेमाल करें, ठीक है? सो दैट जब आपका थोड़ा सा भी डिफिकल्ट फेज आएगा तब डिवाइन आपको भर भर के सपोर्ट करेगी, ठीक है? कर्मा बिलीवर बने फ्रेंड्स, और डेफिनेटली मैं तो ऑलरेडी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग यू नो ये सब करने वाले हैं और ऑलरेडी करते भी होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड डिवाइन आपको कहना चाह रही है, आप किंग ऑफ विंटर की एनर्जी में है, जहाँ पे आपको आपकी इंटेलिजेंसी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जून मंथ में, ठीक है? पूरे मंथ में आप अनइमोशनल रह सकते हैं, प्रैक्टिकल रह सकते हैं, बट स्टिल इस मंथ में आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, ओके? तो ये वाला मंथ ओवरऑल आपके लिए ऐसा रहेगा। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।